दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी ने की सरकार को घेरने की तैयारी। सुभाष नगर में प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। नई दिल्ली में पुलिस से बचने की कोशिश में बिल्डर ने की खुदकुशी। वसंत विहार में छापेमारी और गिरफ्तारी के डर से बिल्डर ने घर की छत से लगाई छलांग। तुगलक काल के एक मकबरे को शिव मंदिर में तब्दील किए जाने की खबर। रिहायशी इलाके में बने मकबरे को सफेद और भगवा रंग से किया गया पेंट। यात्रियों के बोझ से दबी नई दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, ज्यादा सवारियों की वजह से एक डिब्बा दबा। रेलवे के मैकेनिकल विभाग ने नहीं दी चलाने की अनुमति। फरीदाबाद में बारिश ने खोली अधिकारियों की तैयारियों की पोल। गुरुवार को रात भर में करीब बिजली संबंधी 700 शिकायतें हुई दर्ज। रात भर गर्मी और उमस झेलते रहे लोग। फरीदाबाद में बिजली चोरी के 800 मामले आए सामने। विभाग ने वसूली 3 करोड़ रुपए जुर्माना राशि। उपभोक्ताओं को गर्मी से मिलेगी बेहतर बिजली आपूर्ति। नोएडा से सामने आया अजब गजब मामला। अंतिम संस्कार के बाद जिंदा घर लौटी महिला। पुलिस अब हत्या के केस की जांच नए सिरे से करेगी शुरू। नोएडा के थाना फेज 2 के सलारपुर गांव में ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने ही किया था पति का कत्ल, प्रेमी के साथ मिलकर रची थी साजिश। गुरुग्राम के शंकर चौक फ्लाईओवर पर 2 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में 1 शख्स घायल। पुलिस ने शख्स को कराया अस्पताल में भर्ती। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में एक होटल में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद जारी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को बताया देश का दुश्मन। स्कूल कॉलेजों में ड्रग्स की सप्लाई का मामला आया सामने। ड्रग्स माफिया बब्बन गिरफ्तार, पुलिस ने 2 किलो चरस भी की बरामद। कासगंज के डीएसपी पर एक युवती से यौन शोषण का लगा आरोप। एसपी के निर्देश पर डीएसपी के आवास पर मारा गया छापा। पीड़िता डीएसपी के आवास पर ही मिली। उत्तराखंड फिल्म निर्माण के लिए बना बेहतरीन राज्य। केंद्र सरकार ने राज्य को फ्रेंडली एनवायरनमेंट के नाम से दिया पुरस्कार। श्यामपुर क्षेत्र में एक कोठी से लूट का मामला आया सामने। चोर हजारों की नकदी और कीमती सामान चुरा कर हुए फरार। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। पटना के अनिसाबाद में एक किराना कारोबारी की दुकान पर लूटपाट। बदमाशों ने लूटपाट के दौरान बेटे को मारी गोली। व्यापारी घायल, हालत गंभीर। नालंदा में पिता और बेटी के रिश्ते हुए तार तार। पिता 6 महीने से बेटी को बना रहा था हवस का शिकार। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बस हादसे में सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मरने वालों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं। दिल्ली जाते वक्त बस में लगी थी भीषण आग। झारखंड विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम को लेकर झामुमो कार्यकारी ने किया ऐलान। सिल्ली से सीमा महतो और गोमिता से बबीता देवी को मिला टिकट। 28 मई को होगी वोटिंग। झारखंड में इंडियन गैस लिमिटेड ने रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए शुरू की योजना। एक्सप्रेस गैस कार्ड से मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। पहली बार योजना का लाभ उठाने पर सिर्फ 25 रुपए करने होंगे जमा। एक दिवसीय भोपाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का किया श्री गणेश। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। सीएम शिवराज चौहान की कुर्सी खाली वाले बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस बोली लगता है कि शिवराज को अपना भविष्य नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला। अब शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने को माना जाएगा बलात्कार। कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई के दौरान सुनाया अपना फैसला। पंडरी मार्केट में अवैध कब्जे के मामले में हाईकोर्ट का रायपुर नगर निगम को आदेश। कहा 3 महीने के अंदर अवैध कब्जे को कानून के तहत हटाया जाए। छत्तीसगढ़ में नक्सली का बंद। बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों ने बरामद किए 2 प्रेशर बम। खबरों के मुताबिक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था बम। जयपुर के प्रताप नगर में बदमाशों का आतंक। देर रात एक घर के बाहर खड़ी गाड़ी को किया आग के हवाले। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। पुलिस ने शुरू की जांच। बीकानेर जिले के करीब 130 गांव में पानी की समस्या से हाहाकार। सप्ताह में सिर्फ एक बार दिया जा रहा है पानी। बूंद बूंद को तरसे लू।
बीकानेर के उदरासुर गांव में रिश्ते हुए तार तार, भतीजों ने लाठियों से पीट पीट कर चाचा की हत्या, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में चोरों का आतंक, मालिक के घर से निकलते चोरों ने बोला धावा, 3.25 लाख की नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुणे में गर्मी से लोगों का हुआ बुरा हाल, तापमान 40 के पार पहुंचा, मौसम विभाग का अनुमान, अगले 2 दिनों में बदलेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का आदेश, प्रदेश के सभी जेलों में अधिकारी बनाएं गौशाला, मुख्यमंत्री ने करनाल जेल में रखी पहली गौशाला की नींव। हरियाणा पुलिस की लापरवाही आई सामने, ठगी करने वाले आरोपियों को विदेशी समझकर छोड़ा, चोरों ने दुकानदार को सम्मोहित कर लूटे थे 25,000 रुपए। सोनीपत में शराब के अवैध कारोबार पर छापेमारी, पुलिस ने ट्रकों से शराब की 5,500 पेटियों को किया जब्त, कई राज्यों में सप्लाई करने की थी योजना। हिमाचल प्रदेश के कसौली में आरोपी होटल मालिक विजय ठाकुर का खुलासा, कहा डराना चाहता था इसीलिए मारी थी गोली। अवैध कब्जों को हटाने के दौरान हुई टीसीपी अधिकारी की हत्या के बाद शिमला प्रशासन हुआ सतर्क, प्रशासन ने दिया आदेश, अवैध कब्जे हटाने के लिए अब अतिरिक्त पुलिस बल रहेगा मौजूद। मोहाली में शोरूम के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 9 गाड़ियों ने 6 घंटे बाद आग पर पाया काबू। चंडीगढ़ में अब भी चल रही है धूल भरी आंधी, मौसम विभाग ने 8 और 9 मई को भयंकर बारिश की आशंका जताई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, एक महिला घायल, भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने राज्य के प्रमुख सचिव को जारी किया नोटिस, कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा पर खर्च का मांगा ब्यौरा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक जावेद राणा का विवादित बयान, कश्मीर घाटी में बढ़े तनाव के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कुछ सरकारी एजेंसियों को ठहराया जिम्मेदार। कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन की सदस्यता के लिए बनाए गए नए नियम, नियमों से सेना में निराशा, सदस्यता लेने के लिए सेना के पास होना चाहिए कम से कम 7 साल का अनुभव। उपभोक्ता फोरम ने जेट एयरवेज पर 1 हफ्ते के अंदर लगाया 2 बार जुर्माना, एयरवेज यात्रियों के नुकसान का दे हर्जाना, यात्री सामान खोने से है नाराज। बेंगलुरु की जयनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बीएन विजय कुमार का निधन, 59 साल के विजय कुमार की मौत से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। गुजरात में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में लगी आग, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं, आग के कारणों का पता लगाने में जुटे अधिकारी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीख पर फैसला आज, 14 मई को चुनाव होगा या नहीं, इस पर कोलकाता हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार के घर में घुसकर की गई बदसलूकी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। असम के हाजो में एक पुलिस अधिकारी पर महिला से रेप करने का लगा आरोप, महिला की शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार।